मामूली आदमी नहीं है। ये कहानी है डिफाल्टर की, कई पैदाइशी होंगे ने। हो नंबर प्लेट सरकारी देख ले, हाईवे पे गाड़ी दुमा ठारी देख ले, हौसला बुलंद बोले साथ तेरा से, तू यारा गल्या ही बीमारी यारी देख ले, रे पाड़ देंगे बीच देना ये आंख मीच कई ओलाले को न्या रहिए गम आले से। मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सू। हाँ बोल। कहाँ हो तुम? मैं चांद पे हूँ, खुद ही लगा रहा था। तुम चांद पे अकेले कैसे चले गए? चांद तो मुझे भी देखना था। अब वो बावली पूछ, खेत में हूँ, खेत में खुद ही लगा रहा हूँ, और कहाँ रहूंगा इस टाइम। अच्छा फिर ठीक है, मतलब सच बोलते हो फिर से। इसमें क्या झूठ बोल लूंगा, तू कहाँ है? मैं पीछे देखो। पीछे? मैं तो कब से यहीं खड़ी। अच्छा मतलब टेस्ट ले रही थी मेरा, अब चुपचाप भाग गया ना, तो सिर्फ खुद ही लगी खाद तेरे डलवाऊंगा। दिख नहीं रहा है क्या? पैर मुड़ गया मेरा। सच में पैर मुड़ा है या खाद डालने से बच रही है? दर्द हो रहा है मुझे। थोड़ी चिट्टी ना चाहिए जो धूप में चमके जावे, वो सिंपल सी और देसी चाहिए सारे कैन पुगावे, वो सिंपल सी और देसी चाहिए सारे कैन पुगावे, सारे कैन पुगावे। मैं उसके मेल का बन जू और वह बन जाए मेरे संगी, मैं उसके मेल का बन जू और बन जाए मेरे संगी। थरी पापी ब्याह के लियाने से कोई सावले से रंगी, थरी पापी ब्याह के। अब बता कैसे आना हुआ? तुम तो आते नहीं हो मेरे से मिलने के लिए, टाइम ही कहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें नहीं मिलना। चल ये भी बढ़िया करा। बढ़िया तो होगा ही, ना टाइम से फोन उठाते हो ना मिलने आते हो। एक मिनट, कहीं तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? वाह बेटा, एक तो झिल नहीं रही तो दूसरी पटाऊंगा। इसका मतलब कि तुम मेरे से परेशान हो। ठीक है जा रही हूँ मैं। सुन, आउच, पैर तो कटका दूँ? कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। सुन आगे कटा। कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन मार गया। वो मैम, सर ने बोला अगर ये डील हम कर लेते हैं तो हम दोनों का प्रमोशन हो जाएगा। सॉरी मैम, आपको तो पता ही है कि मुझे बचपन से हफलाने की बीमारी है। इधर लो। सेक्टर 70, ये तो पलरा गांव में पड़ता है। यस मैम, पर इस जमीन का मालिक बहुत खड़ूस आदमी है, वह कभी नहीं मानेगा। तुम इस डील की चिंता मत करो, ये समझो कि ये डील पक्की हो गई। हेलो अक्षय, कहाँ हो तुम? कुछ ना, मंदिर से निकला हूँ अभी। अच्छा मुझे ना तुमसे एक बहुत अर्जेंट काम था, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, चल आजा नोरे में आजा। ठीक है डन, मैं बस 10 मिनट में पहुँचती हूँ। हाय अक्षय। हाँ श्रुति, क्या बात होगी? अच्छा एक सेकेंड, ये जमीन देखो जरा, ये तुम्हारे गांव में है ना? अरे गांव में क्या, या तुम्हारी जमीन है? एक्सीलेंट, क्या बात होगी। अच्छा मेरे पास तुम्हारी जमीन के लिए एक बहुत अच्छी डील है, इससे तुम्हारा भी बहुत फायदा हो जाएगा और मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। सोचियो भी मत, और अगर सोच लिया है तो ये विचार दिमाग तक अभी निकाल दे, बाप दादा की जमीन बेचा ना करते, आई बात समझ? पर अक्षय ये बहुत अच्छी डील है। चुप रहे, जब एक बार बोल दिया ये जमीन हमें ना बेचनी मतलब ना बेचनी, अब कोई बहस ना हुए। ठीक है, आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। चल कोई ना, अभी तू ऑफिस जा, सामने मिलेंगे। तेरे नाल सांभ के रख दी।
तेरी गोरी चिट्टी मैडम मरगी हरियाणे पे मरगिरी उत्ती मारे दूध दही खाने पे गोरी चिट्टी मैडम मरगी हरियाणे पे। ओके सर। मैम 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 सर बोल रहे क्या रिया डील का? अब मुझे कोई डील नहीं करनी है, अब कोई भी डील नहीं होगी। ये आप क्या बोल रहे हो मैम? आपको सर नौकरी से निकाल देंगे। सर मुझे नौकरी से निकालेंगे? ये लो मेरा रिजाइनिंग लेटर, मैं इस जॉब से खुद जा रही हूँ। अब सर को बताता हूँ, सर ही हैंडल करेंगे। अक्षय, अक्षय प्लीज ओपन द डोर, अक्षय गेट खोलो। पानी पियो पहले और आराम से बताओ कौन तुम्हें मार देगा। अक्षय तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। अक्षय मेरी बॉस के गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे कैसे मार देंगे? मैं भी जाके देखता हूँ, तू बिल्कुल परेशान मत हो, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अक्षय वो बहुत खतरनाक है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। श्रुति तू परेशान मत हो, मुझे कुछ ना हुआ है, मैं भी जाके देखूँ। अक्षय नहीं, पहले ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब और कोई प्रॉब्लम हो। चल ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू परेशान हो तो बैठ। अक्षय वो तुम्हारी जमीन के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास ही है ना, ये सारी प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से क्रिएट हो रही है। अब वो तो घर पड़े हैं, और कहाँ जाएंगे? तुम्हारे घर पे ना तो वो डॉक्यूमेंट सेफ है और ना तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब क्या करना है? तुम ऐसे करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के कल तुम मुझे 11 बजे चंद्रशेखर फार्म से मिलना। वहाँ क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकती, बाहर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कल तुम मुझे वहाँ मिलना और हम दोनों वहीं से वो डॉक्यूमेंट सेफली लॉकर में रखने चलेंगे। चलो ठीक है, डन। अक्षय अब मुझे निकलना चाहिए। तो मैं छोड़ देता हूँ ना? नहीं अक्षय, इस टाइम बाहर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मैं तुम्हें कल वहीं मिलूंगी। चलो ठीक है, ध्यान से जाना। अक्षय आ गए तुम, तुम ठीक तो हो ना? और जमीन के डॉक्यूमेंट्स लाए हो तुम? हाँ। अक्षय, अक्षय तुम क्या? तुम क्या? मारे तुम? क्यों मारे तुम अक्षय को? अक्षय, बाबू मामूली आदमी नहीं है। अक्षय तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा उन गुंडों ने तुम्हें मार दिया होगा। जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी है। लो पानी पियो। धन्यवाद बाबा। हे ऊपर वाले, तेरी महिमा भी अपरंपार है, अपने भगत को कुछ होने नहीं दिया। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, गॉड। अक्षय तुम बच गए,
मैं तो सारी आस ही खो बैठी थी। थैंक यू तो गोड ते पूरा है, पर मेरे एक बात समझ ना आई। जब मैं उठा तो वहाँ तू ना थी। अक्षय वो गुंडे थे ना वहाँ पे। हंसना गुनाह तो नहीं, पर तूने मुझे मस्करा समझ लिया। मोहब्बत आसान तो नहीं, पर तूने उसे कोई कला समझ लिया। तुम मौसम तो नहीं, फिर भी बिना वक्त बदल जाते हो। किरदार निभाया करो, यूं बीच में ना जाया करो। कहीं श्रुति को कुछ हो ना जाए, देख आता हूं। हेलो, हाँ कल वो खुद हमें डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलेगा। ड्रामे बंद करो, मर गया वो। अब कमीशन ले, प्रॉफिट में शेयर लूंगी मैं। हो गया तुम्हारा काम तो अब ये लो तुम्हारी फीस, और आज के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें। हेलो सर, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, आप साइट पे मिलिए। एक्सीलेंट, गुड वर्क। अब इन पेपर पर उसके साइन चाहिए और काम फिनिश। पर सर वो तो मर चुका है। अब इन पेपर पर साइन कौन करेगा? अरे सर आप चिल करो ना, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकती हूँ तो मैं डुप्लीकेट साइन भी करवा सकती हूँ। वेरी नाइस, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज हो तुम। अब प्रमोशन के साथ साथ प्रॉफिट में 50% शेयर भी तुम्हारा। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज आज रात पार्टी में मिलते हैं। ठीक है सर, आप दोनों चलिए, मैं आपको डायरेक्ट पार्टी में ही मिलती हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें पता लग गया सच्चाई के बारे में कि मैं तुम जैसे देसी के लिए अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। पर अब मेरा प्यारा अक्षय क्या करेगा? सांसें तो बच गई पर जमीन? सांसें तो मेरी उसने बचा ली, और रही बात जमीन की, वो तो कभी तेरे पास गई ना। अपने बॉस को फोन लगा और उनसे पूछ कि वो पेपर असली भी है या नहीं। हेलो, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, ये पेपर सारे डुप्लीकेट हैं। क्या? कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर फायर्ड। बब्बा बोले तेरी लीला भी अपरंपार है, तेरा भगत तो उड़ जाए थी। वक्त आवे वक्त जावे, सब अपने हिस्से का खावे। बब्बा देवे तू छिन्ने तू, फिर ये लोग नचान की चाल क्यों कर करे है। मोहब्बत ना है तो आस्की का ढोंग क्यों कर करे है। बब्बा बोले बताना इन्ने तू, जो तोड़े तेरे भगत ने अक्षय। सॉरी बचा करा, किसी और के चेहरे मौका दे। राम राम। अपनिया उतो बंदे नाल दे ताकड़िया रखी दा इसरार।